तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल प्ले स्टोर और यूट्यूब की एज रिस्ट्रिक्शन सेटिंग को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। गाइस आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आजकल जितने भी जो चिल्ड्रंस वगैरह है मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और ऐसे में आप नहीं चाहते होंगे कि उनके सामने कुछ भी ऐसी वीडियोज़ आएँ यूट्यूब के अंदर या प्ले स्टोर के अंदर, ऐसी कोई भी ऐप यूज़ करें जो उनके लिए ना बनी हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पे आजकल पोर्नोग्राफी से रिलेटेड या फिर गैम्बलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ होती हैं, जिनको देखने के बाद बच्चे के माइंड में बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको एज रिस्ट्रिक्शन की जो सेटिंग है उसको ज़रूर इनेबल करके रखना चाहिए। तो कैसे आप इनेबल करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पे आपको एज रिस्ट्रिक्शन कैसे लगानी है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब ओपन करना है अपना। ओपन करने के बाद गाइस सबसे ऊपर आपको अपने चैनल का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो जर्नल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड दिखाई देगा। तो इसको गाइस जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपके सामने कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं आएगी यूट्यूब के अंदर जिसको जो है बच्चे ना देख पाएँ। तो यूट्यूब पे आप जो है इसको ज़रूर, अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल वगैरह यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो आपको इसको ज़रूर यहाँ पर इनेबल करके रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ प्ले स्टोर पर आपको कैसे जो है एज रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और उसके बाद आपको अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग के ऑप्शन पर, और उसके बाद आपको जाना है फैमिली वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है पैरेंटल कंट्रोल्स, तो ये आपका ऑफ होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना है इस तरीके से। उसके बाद गाइस ये आपसे पिन मांगेगा, क्योंकि जब आपको इसको ऑफ़ करना होगा तब आपसे ये दोबारा जो है यहाँ पे पिन मांगेगा। तो आपको कोई भी एक पिन डाल देनी है, और इसको आपको ज़रूर याद, मतलब इसको आपको याद करके रखना है। तो मैं कोई भी एक पिन डाल देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म पिन के लिए कह रहा है। उसके बाद जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐप्स एंड गेम्स के ऑप्शन पे जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिंग वाइज, मतलब आपके फैमिली में जितने भी ईयर का बच्चा है तो उस हिसाब से आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको जो है यहाँ पर आप सेव कर देंगे। तो मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पर सेव नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोनों ही ऐप्स में, YouTube पे भी और जो है Google Play Store पे भी। तो वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।